रायपुर नगर निगम के वार्डों में हुए परसीमन को लेकर बवाल मच गया है। बुधवार को महापौर समेत कांग्रेस पार्षदों द्वारा परसीमन को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई थी। उसके बाद अब भाजपा पार्षद दल ने भी इसको लेकर विरोध जताया है। बीजेपी पार्षदों की इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें परसीमन को लेकर भाजपा पार्षद आक्रोशित दिखे। इसके साथ ही राजधानी की पहचान रहे कुछ वार्डो को विलोपित करने और बीएसयूपी के मकानों में स्थापित किए लोगों को पुराने वार्ड में रखे जाने का पार्षद ने विरोध किया। वार्डो का परिसीमन हुआ है, ये परिसीमन में जो हमारे परिसीमन के नियम कायदे होते हैं उसका पूरा उल्लंघन करते हुए कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस की सरकार ने अधिकारियों पर दबाव डालकर वार्डों का परिसीमन इस तरह से किया है कि जिस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस के अधिक से अधिक लोग चुनाव जीतकर आ सके, इस धारणा को मानकर कांग्रेस के महापौर और उनके सरकार ने अधिकारियों पर दबाव डाला है कि परिसीमन हमारे ढंग से किया जाए। उसका परिणाम है कि आज जो हमारे भाजपा के पार्षद नाराज हो रहे हैं।